अभी हम हैं पटना के राजकीय कृत आयुर्वेदिक कॉलेज हॉस्पिटल के पास। यहाँ हम आए थे अपने पापा का दवाई लेने के लिए। पिछले 15 दिन से मैं नहीं आ रहा था। पापा यहाँ पे पहले एडमिट थे पचकर्म थेरेपी से। मैंने उनका इलाज कराया था। घुटने में उनके काफ़ी दर्द था और कमर में काफ़ी दर्द था। पचकर्म थेरेपी से इलाज कराने के बाद उन्हें काफ़ी राहत मिली। पिछले साल मैंने उनको यहीं पर एडमिट किया था और उनका दवाई चल रहा है। अभी भी वीकली दवाई लेना होता है। पिछले 2 हफ्ता से हम उनका दवाई नहीं ले पाए। मेरे मन में ये शंका थी, ये दुविधा थी कि पता नहीं आयुर्वेद कॉलेज का OPD खुला होगा कि नहीं खुला होगा। ज़्यादा परसेंटेज तो था कि खुला होगा, लेकिन कुछ परसेंट था कि हो सकता है कि बंद होगा। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन आज हमें यहाँ पर आए और मुझे देख करके अच्छा लगा कि यहाँ पर OPD उसका खुला हुआ है और आज हमने पापा का दवाई ले लिया। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि यहाँ पर OPD खुला हुआ है। आप आकर के अपना अगर छोटी बड़ी बीमारियाँ हैं तो यहाँ पर आकर के आप अपना इलाज करवा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर COVID-19 वैक्सीन सेंटर भी है। 45 साल से ऊपर वालों के लिए यहाँ पर वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है, वैक्सीन भी दिया जा रहा है यहाँ पर। आपको इस हॉस्पिटल के बारे में बता दें, इसके पचकर्म थेरेपी के बारे में बता दें, चूँकि मैंने खुद इसका अनुभव लिया है। पचकर्म थेरेपी यहाँ पर काफ़ी अच्छा और आधुनिक ढंग से किया जाता है। साथ ही यहाँ पर जो पचकर्म थेरेपी से जुड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका बिहेव फ्रेंडली है और वो काफ़ी अच्छे से मरीजों के देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, समझाते हैं, दवाई के लिए प्रेरित करते हैं। ये सब कुछ हमने यहाँ पर कुछ देखा है क्योंकि हमने पापा का इलाज कराया। आज बहुत सारे लोग जो हैं घुटने के दर्द से परेशान हैं और वात रोग से परेशान हैं। तो अगर आप लोग मेरी बातों पे यकीन करें तो आप यहाँ पर आकर के पचकर्म थेरेपी की मदद ले सकते हैं। हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है और सिर्फ OPD खुला है, मरीजों को भर्ती यहाँ पर नहीं किया जा रहा है, सिर्फ आपको दवाई दिया जा रहा है। तो जब खुल जाएगा तो आप पचकर्म थेरेपी से इलाज करा करके घुटने के दर्द से और जो भी आपको हड्डियों में जोड़ों में दर्द है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, कम कर सकते हैं उसे। क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 मरीजों का पचकर्म करवाया है और उसे काफ़ी फ़ायदा मिला है। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि OPD यहाँ पे चल रहा है, सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप यहाँ पर आकर के इलाज करवा सकते हैं। लॉकडाउन में लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि पता नहीं OPD खुला हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर डॉक्टर्स भी देख रहे हैं, दवाइयाँ भी मिल रही है। जो अस्पताल में दवाइयाँ उपलब्ध है वो यहाँ पर मिल रही है। साथ ही अगर कुछ दवाइयाँ नहीं मिलती है तो आप बाहर से ले सकते हैं। तो बस एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहे थे अपने वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हर अब आपको समय पर मिलते रहे, बिहार के विकास के तस्वीर आप तक पहुँचते रहे। उसके लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम फिर मिलेंगे किसी और अपडेट। सब नमस्कार, जय भारत, जय बिहार।